Friends, we will discuss the highlights of the chapter, The Enemy. Today, we will discuss important question answers also of this chapter. Now, what does this chapter contain? This story contain? This story, the main protagonist, Sadao, the doctor, scientist, he was expert in surgery. Wo surgery mein doctor expert tha. Aur kis tarah wo dilemma mein tha ki enemy, ek soldier, ek enemy jo dusre country ka, America ka, usko bachaun ya nahi bachaun saath mein doctor ki wife, dono. To dekhte hain, discuss karte hain is chapter ki highlights aur story ke bare mein aur important question answers. The Enemy, written by Paul S. Buck. Characters, main characters kaun se? Who are the main characters of this chapter? Dr. Sadao Hoki, a Japanese doctor trained in America. America mein trained hai ye doctor. Jaisa maine pehle hi bataya tha, doctor the aur scientist bhi the. Sadao ke father, his father, jo bahut hi patriotic aur Japanese culture jo unke ingrained tha unke heart mein, bahut apne culture se unka bahut zyada lagav tha. Next, doctor ki wife Hana. Next, Tom, an American prisoner of war. Main kahani isni ke aage Dr. Sadao aur unki wife aur Tom ke aas paas hi revolve karti hai. Ye war prisoner se jo Japanese jail se bhage hue the, a soldier of US Navy. Next character hai the old general, a sick Japanese army general needed an operation, trusted only Dr. Sadao. Matlab ye old general jo sick the aur इन्हें ऑपरेशन की जरूरत थी और इनका विश्वास केवल डॉक्टर सडाओ पर ही था. उन्हें लगता था कि डॉक्टर सडाओ ही बेस्ट सर्जन है जो उनकी जान बचा सकते हैं. नेक्स्ट अब बात करते हैं इनके सर्वेंट्स की. गार्डनर थे एक और एक यूमी मेड सर्वेंट थी और द कुक एक कुक. तो ये मेन कैरेक्टर्स थे. चलिए अब डिस्कस करते हैं हाइलाइट्स इस चैप्टर की. फ्रेंड्स, before discussing the highlights of this chapter, I want to tell you that what was the dilemma in the mind of doctor. Doctor ke dimag mein duvida kya thi? Doctor ke dimag mein tha ki is enemy soldier ko main bachaun ya nahi bachaun. Aur doctor kyunki wo doctor tha by profession, to duty bound bhi tha, ek insaan ko marte hue nahi dekh sakta tha. To isi dilemma quandary के बारे में ये चैप्टर है कि डॉक्टर ने अल्टीमेटली किया क्या. चलिए डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, डॉक्टर सडाओ होकीज हाउस वाज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ जापानीज कोस्ट में. उनका जापानीज कोस्ट के स्पॉट पे उनका घर था, बीच पर घर था. सेकंड पॉइंट, सडाओ वाज फेमस सर्जन एंड साइंटिस्ट एज वेल. जैसा मैंने पहले ही बताया था कि सडाओ जो थे डॉक्टर, वो बहुत ही फेमस सर्जन थे और वो साइंटिस्ट भी थे, क्योंकि उनके फादर ने उन्हें अमेरिका भेजा था कि वो एक अच्छे डॉक्टर बने और एक सर्जन बने, डॉक्टर सर्जन बने और वो एक बहुत नाम कमाए. थर्ड पॉइंट, ही वॉज नॉट सेंट विथ ट्रूप्स एज द ओल्ड जनरल नीडेड एन ऑपरेशन. तो डॉक्टर सडाओ को जो जापानीज ट्रूप्स थी उनके साथ नहीं भेजा गया, क्योंकि ओल्ड जनरल, जैसे मैंने कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते समय ही आपको बताया था कि ओल्ड जनरल को ऑपरेशन की जरूरत थी, तो ओल्ड जनरल कितना सेल्फिश था उसके कैरेक्टर के बारे में यहाँ पता चलता है कि उसने अपने बेनिफिट के लिए, अपनी सेल्फिशनेस के लिए डॉक्टर को ट्रूप्स के साथ नहीं जाने दिया जो ट्रूप्स वॉर में लड़ रहे थे. तो एक हमें ये इंपॉर्टेंट डॉक्टर के कैरेक्टर के बारे में भी पता चलता है. नेक्स्ट पॉइंट, Sadao and Hana saw something black came out of the mist. तो डॉक्टर और उनकी वाइफ जब अपने घर पे थे, शाम का समय था,
थोड़ा अंधेरा हो रहा था और उन्होंने उस समय मिस्ट, कोहरा भी, फॉग भी छाया हुआ था और देखा अचानक कि एक समथिंग ब्लैक मिस्ट से बाहर आ रहा है। पॉइंट, अ वाउंडेड सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर ऑन द बीच नियर देयर हाउस, और वो जो मिस्ट से बाहर निकलता हुआ ब्लैक जो आ रहा था वो दिख रहा था वो और कोई नहीं था, वो एक वाउंडेड अमेरिकन सोल्जर था, घायल अमेरिकन सोल्जर था जो उनके घर की तरफ बीच से बढ़ रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, ही पैक्ड, नाउ ही पैक्ड द वाउंड विद, ही मींस डॉक्टर सडाओ, ही पैक्ड द वाउंड विद द सी मॉस। अब डॉक्टर सडाओ और उनकी वाइफ ने जब देखा कि एक कोई ब्लैक वहां से मिस से चला आ रहा है तो उन दोनों आगे बढ़े देखने के लिए कि आखिर है, और फिर बाद में थोड़ा सा क्लियर हुआ कि कोई इंसान आ रहा है, उन्हें लगा कोई फिशरमैन होगा, कोई फिशरमैन, शायद बोट उसकी टकरा गई होगी और वो उस बोट से बचकर उनके घर की तरफ आ रहा है, पहले उन्हें ऐसा लगा, लेकिन जब उन्होंने क्लोजली देखा, जब करीब गए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही वाउंडेड सोल्जर था और वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस था। जब उन्होंने देखा डॉक्टर सडाओ, क्योंकि वो डॉक्टर थे बाय प्रोफेशन, तो उनका हाथ उस वुंड की तरफ, उस इंजरी की तरफ चला ही गया और उन्होंने देखा कि उसको बुलेट का शॉट लगा हुआ है, इंजरी है। तो डॉक्टर सडाओ ने तुरंत ही एक सी मॉस, जो समुद्र की घास होती है, वो उनके इंजरी पर लगा दिया और जो ब्लीडिंग हो रही थी वो बंद हो गई। सेवन पॉइंट, He is unable, means doctor, he is unable to throw him back though he was his enemy as he was a doctor and his first duty was to save a life. तो डॉक्टर, दोस्तों, फ्रेंड्स, यहाँ पर उनकी वाइफ सडाओ और उनकी वाइफ, जब दोनों ने देखा अमेरिकन सोल्जर, जब उन्होंने उसको पलटाया, टर्न ओवर किया और देखा कि कैप में अमेरिकन सोल्जर नेवी लिखा हुआ है, तो दोनों ने सोचा कि हम क्यों बचाएं, ये तो एनिमी कंट्री से है। और उस समय आपको याद हो कि वॉर चल रहा था तो अमेरिका और जापान आमने सामने से दोनों फ्रंट में थे, दोनों अलग अलग अलायंस में थे, तो एक नेचुरल है कि एक एनिमी कंट्री के सोल्जर के टूवर्ड्स हेट्रेड होना। तो उन्होंने सोचा कि हम इसको वापस समुद्र में, सी में फेंक देते हैं या सी में डाल देते हैं। लेकिन डॉक्टर जो था, डॉक्टर और उनकी वाइफ दोनों बहुत ही कंपैशनेट, और डॉक्टर तो वैसे भी वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर थे, तो उनकी पहली ड्यूटी थी कि किसी भी इंसान को, एनी ह्यूमन बीइंग, उनकी जान बचाना, टू सेव हिज और हर लाइफ। 8 पॉइंट, हना हिज वाइफ दो इनिशियली रिलक्टेंट बिकॉज इट वॉज डेंजरस फॉर ऑल इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन टू कीप द एनिमी इन द हाउस। फ्रेंड्स, जैसा मैंने पहले ही इस टॉपिक में, इससे पहले वाले पॉइंट में डिस्कस किया था कि दोनों हेजिटेट कर रहे थे कि बचाएं या नहीं बचाएं, एक दो बार ऐसा डिस्कशन हुआ कि बचाते हैं नहीं बचाते हैं और दोनों हेजिटेट कर रहे थे, और हना को थोड़ा सा अनविलिंगनेस, रिलक्टेंट थी कि अगर हम इसको बचाते हैं तो बहुत डेंजरस होगा हमारे बच्चों के लिए, कि एक दुश्मन को अपने घर में शेल्टर देना, हार्बर करना, तो ये उनके लिए ही नहीं, नॉट ओनली फॉर देम बट फॉर देयर चिल्ड्रन ऑल्सो इट वुड बी वेरी डेंजरस। Next point, they carried him into the house and laid him into room of Sadao's father. फिर आखिरकार ultimately उनका जो conscience था, soul था, जो good soul था, उसने decide किया कि हम इस enemy soldier की जो wounded है उसकी life बचाएंगे, वो उसको lift करके अपने घर में लाते हैं और सडाओस के फादर के रूम में जो बंद रहता था वहां पर उसको लिटा देते हैं। हना द वाइफ ऑफ डॉक्टर वॉच्ड हिम। अब यहां पर इंपॉर्टेंट, यहां पर एंट्री होती है यूमी, जो मेड सर्वेंट थी। जब हना और हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने जब डॉक्टर को सडाओस के फादर के कमरे में लिटा दिया, उसके बाद हना ने यूमी से कहा कि पानी गर्म करके लाओ, हमें इस जो वाउंडेड सोल्जर है इसको वॉश करना है, इसका फेस वॉश करना है। तो यूमी ने साफ साफ
फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया कि हम एक एनिमी सोल्जर को नहीं वॉश करेंगे, ना ही उसकी कोई मदद करेंगे, ये गलत काम है। और जितने भी सर्वेंट्स हैं उनके बीच में डिस्कशन शुरू हो गया कि भैया हमारे मास्टर ने ये गलत किया है, ये सही नहीं है एनिमी को शेल्टर देना। पॉइंट, हाना ज्वाइंड हर हस्बैंड इन ऑपरेटिंग एंड नर्सिंग द एनिमी सोल्जर बैक टू हेल्प इवन दो द सर्वेंट्स deserted the house। तो जैसा मैंने पहले ही कहा था कि हाना ने अपने हस्बैंड के साथ शोल्डर टू शोल्डर रहकर उस एनिमी सोल्जर को बचाने में मदद करी, इवन ऑपरेशन में भी पूरी मदद करी। जैसे एनेस्थीजिया देने के लिए हाना ने ही मदद करी, और हाना ने जब मेड सर्वेंट ने मना कर दिया, शी रिफ्यूज टू वॉश द एनिमी सोल्जर, वो खुद पानी लेके आई और वॉश किया। उसके बाद ऑपरेशन, ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑल्सो अपने हस्बैंड के पास बाय द साइड ऑफ हर हस्बैंड वो खड़ी रही। उनको बहुत, जब ऑपरेशन देख रही थी तो उनको वॉमिटिंग भी हो रही थी, उल्टी आ रही थी, लेकिन वो वहाँ डटी रही। इवन दो द सर्वेंट डिजर्टेड द हाउस, और उस एनिमी सोल्जर की टेक केयर करी कि वो वापस नॉर्मल हो सके, रिकवर हो सके उस ऑपरेशन से। और नौकरों ने साथ छोड़ दिया था, मतलब डिजर्टेड, नॉट हेल्पिंग देम। 12th पॉइंट, द सर्वेंट्स फेल्ट दैट दे कुड नॉट स्टे एनी मोर देयर इफ एनिमी इज शेल्टर्ड। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि सर्वेंट्स को लगा कि अगर हमारे मालिक, मास्टर अगर किसी एनिमी को शेल्टर देते हैं तो हम इस घर पे नहीं रह सकते। 14 पॉइंट, मैसेंजर ऑफ जनरल अराइव्ड एट साडोस होम टू इन्फॉर्म दैट द जनरल वॉज इन पेन। मैसेंजर, जनरल का मैसेंजर गेट पर आया, जैसे ही डॉक्टर सडाओ के घर पर, उनकी वाइफ बहुत डर गई, शी वॉज एक्सट्रीमली स्केयर्ड, टेरिफाइड कि अब तो इन्फॉर्मेशन मिल गई है, शायद जनरल को और हम पकड़े जाएंगे और हमारे बच्चों का क्या होगा। तो डॉक्टर की वाइफ हना बहुत डर गई, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो डॉक्टर को बुलाने आया था, जनरल को पेन हो रहा था, वो इंफॉर्मेशन देने आया था कि जनरल ने आपको बुलाया है। नेक्स्ट पॉइंट, Sadao told General about the enemy soldier. General said that he would send assassins to eliminate him. अब जैसे ही messenger ने बताया कि भैया मैं तो आया हूँ डॉक्टर को जनरल का मैसेज देने कि जनरल ने बुलाया है, तो उनकी वाइफ ने शी साइड अ रिलीफ, साई ऑफ रिलीफ लिया, राहत की सांस ली। और उसके बाद डॉक्टर पहुंचते हैं जनरल के घर और जनरल को बताते हैं एनिमी सोल्जर के बारे में, और जनरल कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर पे, क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा, मैं रात में असैसिन्स भेजूंगा, मतलब मर्डरर भेजूंगा, जो पॉलिटिकल रीजन से मर्डर करते हैं उनको असैसिन बोलते हैं, मैं भेजूंगा और उस सोल्जर का काम तमाम कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, इवन वो लोग डेड बॉडी को भी डिस्पोज कर देंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत है, तुम्हें केवल उस एनिमी सोल्जर का गेट ओपन करके रखना है रात में। नेक्स्ट पॉइंट, बट जनरल डिड नॉट टेक एनी एक्शन एज ही वॉज सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एंड फॉरगॉट हिज प्रॉमिस दैट ही वुड सेंड हिज प्राइवेट असैसिन्स टू किल द एनिमी एंड रिमूव और डिस्पोज हिज बॉडी। लेकिन दोस्तों, तीन रात तक बिल्कुल डॉक्टर सडाओ को नींद नहीं आई, जब भी कोई थोड़ा सा कुछ भी आवाज आती थी उसको लगता था कि असैसिन आ गए हैं और शायद उस सोल्जर का मर्डर कर उसकी डेड बॉडी को ले आ रहे हैं। कई बार गार्डन से आवाज आती थी और सुबह जब भी वो जाता था देखता था कि भैया वो सोल्जर तो बढ़िया हेल्दी एंड वेल्दी, सेफ एंड साउंड है। उसके जब डॉक्टर ने देखा कि भैया कुछ नहीं हो रहा है और जनरल भी अपने काम में इतने बिजी हो गए कि उसने कोई एक्शन नहीं लिया, फॉरगॉट, अपना प्रॉमिस भूल गया कि वो असैसिन भेजेगा और एनिमी सोल्जर को मरवा देगा और उसकी बॉडी को भी डिस्पोज कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द जनरल्स सेल्फ एब्जॉर्प्शन, सडाओ डिसाइड्स टू सेव द सोल्जर्स लाइफ।
After the soldier is out of danger, Dr. Sadao help him to escape from his house to safety. अब तीन रात तो डॉक्टर ने वेट किया, लेकिन जब असासिन नहीं आए तो डॉक्टर ने फ़ायदा उठाया कि भैया डॉक्टर ने सोचा कि जनरल तो भूल गए अपने काम में, तो उन्होंने सोचा कि मुझे सोल्जर की लाइफ को बचाना चाहिए। आखिरकार डॉक्टर के लिए अपनी ड्यूटी और ह्यूमैनिज्म को बहुत आगे रखा, मानवता को। और आफ्टर द सोल्जर इज़ आउट ऑफ डेंजर, जब सोल्जर पूरी तरह से ठीक हो गया आउट ऑफ डेंजर, डॉक्टर सडाओ ने उसकी हेल्प करी एस्केप करने में, बचने में और सेफ जगह पहुंचाने में। डॉक्टर ने क्या किया हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट, ही अरेंज्ड अ बोट विथ फूड वाटर टू क्विल्ट्स फ्लैश लाइट एंड क्लोदिंग। डॉक्टर ने इसी का फ़ायदा उठाया और ना केवल अपने प्रोफेशन उनका था डॉक्टर वाला, मतलब पहले उनको किसी भी भले ही इवन एनिमी हो जान बचाना है, और दूसरा उन्होंने दिखाया ह्यूमैनिज्म और उन्होंने एक बोट अरेंज करी और उसमें फूड रखा, वाटर रखा, क्विल्ट रखी, दो रजाइयाँ रखीं, फ्लैश लाइट उसको दी, कपड़े रखे और उसको शाम के समय की कोई देख ना पाए उसको बोट पर बिठा दिया, ये सारी चीज़ें अरेंज करके। और उसको बोला कि अगर खाना वहाँ पर एक आइलैंड था, उस आइलैंड के पास से कोरियन बोट्स जाती थी, वो आइलैंड बहुत पानी बहुत गहरा था, कोरियन बोट कोई ना कोई जाती है, और कोरियन बोट में वो किसी से हेल्प मांगकर वहाँ से निकल सकता है। और इस तरह डॉक्टर सडाओ ने उनको बोला एनिमी सोल्जर को कि अगर खाना वगैरह कम हो जाए तो फ्लैश लाइट दो बार, लेकिन रात में नहीं। इस तरह वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो आपने देखा कि एक डॉक्टर ने अपने प्रोफेशन को बहुत ऊपर रखा, ह्यूमैनिज्म को बहुत ऊपर रखा, और एक एनिमी सोल्जर को डॉक्टर ने नहीं, उनकी वाइफ बहुत ही कंपैशनेट, बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत बड़े ह्यूमैनिटेरियन, उन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प करके उस एनिमी सोल्जर की जान बचाई। तो चैप्टर ये ह्यूमैनिज्म और ड्यूटी बाउंड बाय प्रोफेशन। अब डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई डिड डॉक्टर सडाओ ट्रीट द अमेरिकन सोल्जर इवन दो इट वॉज एन अनपैट्रियोटिक एक्ट ऑन हिज पार्ट। डॉक्टर सडाओ ने ट्रीट क्यों किया, इलाज क्यों किया, हालांकि ये एक अनपैट्रियोटिक एक्ट था उनकी तरफ से। आंसर, डॉक्टर सडाओ ट्रीटेड द अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर बिकॉज एज अ डॉक्टर ही वॉज ट्रेन्ड टू सेव लाइव्स। ही कुड नॉट हैव लेट द वूंडेड मैन डाई इवन दो ही वॉज फ्रॉम एनिमी कंट्री एज इट would have been against his professional ethics। जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डॉक्टर ने ट्रीट करा क्योंकि वो डॉक्टर थे और उनको ट्रेन किया गया था कि लोगों की लाइफ बचाना, और वो किसी भी वोंडेड इंसान को मरने नहीं दे सकते थे भले ही इवन इफ वो एनिमी कंट्री से हो। ये उनके प्रोफेशनल एथिक्स जो वैल्यूज हैं, मॉरल वैल्यूज हैं, उसके अगेंस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why did the general not order immediate arrest of Dr. Sadao who had sheltered a white man? Answer, the general did not usually keep in good health and trusted no other surgeon but Dr. Sadao in his time of need and could have needed his services anytime. This is why or that's why he did not order immediate arrest of the doctor for harboring an enemy in his house. तो डॉक्टर को अरेस्ट क्यों नहीं कराया तुरंत, जब उनको पता चला, मतलब जनरल को पता चला कि उन्होंने शेल्टर दिया, शरण दिए एक एनिमी सोल्जर को, वाइट मैन को। जनरल आंसर ये था, जनरल की हेल्थ अच्छी नहीं थी, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और वो डॉक्टर पर बहुत विश्वास करता था, उसको लगता था कि जापान में यही सबसे बढ़िया डॉक्टर है। लेकिन बट सडाओ इन हिज
in his time of need and could have needed his service anytime. Kabhi bhi doctor ki zarurat pad sakti thi general ko, isiliye that's why unhone immediate arrest, matlab general ne immediate arrest nahi karwaya enemy soldier ko harbor karne ke bawajood, sharan dene ke bawajood bhi. Next question, what forced Dr. Sadao to be impatient and irritable with his patient? Kaise डॉक्टर सडाओ इम्पेशेंट हो गए, गुस्सा होने लगे अपने पेशेंट पर? क्या चीज, क्या किसने फोर्स किया? आंसर, द वाउंडेड वाइट सो मैन अर्जेंटली नीडेड एन ऑपरेशन एज ही वॉज क्रिटिकली इंजर्ड. हना वॉज विथ सडाओ व्हेन ही स्टार्टेड ऑपरेटिंग ऑन द प्रिजनर हना हु हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन इन हर लाइफ vomited at the sight of the blood. Sadao wanted to help her in her distress, but he could not leave his patient. This made him impatient and irritable. जब wounded soldier को urgently operation की जरूरत थी, बहुत ही critically injured था, हना उनकी wife जो थी, जब उन्होंने operation शुरू करा prisoner का, तो हना ऑपरेशन जब देख रही थी, उन्हें उल्टी होने लगी, वो ब्लड देखकर सडाओ उनकी हेल्प करना चाहते थे इस डिस्ट्रेस में, लेकिन वो पेशेंट को भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे क्योंकि ऑपरेशन चल रहा था. इससे उनमें इम्पेशेंस डेवलप हो रहा था और वो थोड़ा सा इरिटेबल भी हो रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज जनरल्स प्लान टू गेट रिड ऑफ द अमेरिकन प्रिजनर? वॉज इट एग्जीक्यूटेड? तो क्या प्लान था? और What traits of general character are highlighted in this lesson? Doctor ने जो American soldier को बचाया, तो क्या plan था general का American prisoner को ठिकाने लगाने के लिए? और हमें यहाँ पर ये भी बताना है कि general के क्या character, personality के बारे में बताना है इस जो chapter में highlights हुई हैं. Answer है, Dr. Sadao informed the general about the American prisoner. The general decided that his private assassins would eliminate him and even dispose his body. Sadao agreed to the general's proposal. However, the general's assassin did not arrive for the next 3 days. As a result, Sadao spent 3 restless nights in waiting for the assassins. Ultimately, he helped the prisoner escape. When Sadao informed the general about the escape of the prisoner, the general replied that he was sick and thus forgot about the whole affair. He further wanted that Sadao must not inform anybody about this. This shows that general was very selfish. He had regard only for his own safety and pride. Also, he did not send Sadao to the battlefield as he needed his services himself. He considered himself more important than the lives of thousands of soldiers. तो देखिए, यहाँ डॉक्टर के कैरेक्टर के बारे में भी हम पढ़ी चुके हैं कि 3 नाइट्स वेट किया डॉक्टर सडाओ ने. वो 3 नाइट्स उन्होंने रेस्टलेस, मतलब बिल्कुल उन्हें बेचैनी होती थी, कोई भी शोर शराबा होता था कि कोई असैसिन तो नहीं आ गया. और अल्टीमेटली फिर उन्होंने प्रिजनर को बचाने में, इस भागने में मदद करी. When Sadao informed the general about, और जब सडाओ ने जनरल को बताया कि प्रिजनर तो भाग गया, बच गया, तो जनरल ने रिप्लाई किया कि जनरल बहुत बीमार थे और वो भूल गए अपने इस पूरे कामकाज में, होल अफेयर में. और उन्होंने बताया कि ये सडाओ किसी को बताए नहीं इस बारे में. दिस शोज कि जनरल जो थे बहुत ही सेल्फिश थे, वो अपनी सेफ्टी के बारे में, अपने प्राइड के बारे में सोचते थे केवल. और सडाओ को भी बैटलफील्ड में, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, नहीं भेजा क्योंकि उन्हें उस डॉक्टर सडाओ की सर्विस की जरूरत थी. और ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ मोर इम्पॉर्टेंट, वो अपने आप को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते थे, ना कि थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर की लाइफ की. चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का. Do you think Dr. Sadao's final decision was the best possible one in the circumstances? Why not explain with reference to the story The Enemy? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डॉक्टर, क्या आपको लगता है कि डॉक्टर का डिसीजन बेस्ट पॉसिबल था उस सर्कमटेंसेस में?
क्यों था क्यों नहीं था एक्सप्लेन करना है स्टोरी के रेफरेंस में. आंसर है डॉक्टर सडाओ's फाइनल डिसीजन वॉज द बेस्ट पॉसिबल वन इन द गिवन सर्कमस्टांसेस. ही हैज द इंस्टिंक्ट ऑफ अ डॉक्टर. व्हेन टॉम द प्रिजनर ऑफ अ वॉर वॉज फाउंड वूंडेड बेस्ट पॉसिबल डिसीजन था इस गिवन सिचुएशन में. और ही हैज इंस्टिंक्ट ऑफ अ डॉक्टर. और डॉक्टर की जो नेचुरल क्वालिटी होती है भैया कि प्रिजनर या कोई भी हो जिसकी लाइफ डेंजर में बचाना, तो डॉक्टर ने यही किया. व्हेन टॉम द प्रिजनर ऑफ वॉर वॉज वूंडेड द फर्स्ट थिंग ही डिड वॉज टू सेव हिज लाइफ. तो पहला काम डॉक्टर इंस्टिंक्टली क्या किया, उसकी लाइफ बचाई. एज अ डॉक्टर वो ड्यूटी बाउंड थे उसकी, उनकी लाइफ बचाना उनका काम ही है लाइफ बचाना. और उनका कंपैशनेट हार्ट रोज अबव द नैरो कन्फाइंस ऑफ हेट्रेड एंड वॉर. जो कंपैशनेट हार्ट, जो हार्ट फुल ऑफ काइंडनेस जो था, वो ऊपर उठ के आया उस नैरो और कन्फाइंस जो बाउंड्री थी हेट्रेड की वॉर की, उससे ऊपर उभर कर आया और डिसाइड करा कि लाइफ बचानी है सेव करनी है. As a doctor, Sadao could not have left the wounded prisoner of war unattended. तो as a doctor वो नहीं छोड़ सकते थे unattended कि उसको attend ना करें, उसको ना बचाएं. So he decided to operate upon him and save his life. But he discharged his duty towards his nation by informing the general about his presence. लेकिन उन्होंने साथ में अपने कंट्री के प्रति भी towards his country also उन्होंने ड्यूटी को डिस्चार्ज किया, मतलब ड्यूटी निभाई. उन्होंने जनरल को बताया उस एनिमी सोल्जर के प्रेजेंस के बारे में. बट फाइनली ही हेल्प द एनिमी स्केप. द सर्जन हेल्प द एनिमी स्केप बिकॉज हिज कंपैशनेट हार्ट फॉरबेड हिम टू किल द सेम पर्सन whom ही हैड saved. तो डॉक्टर के हार्ट, जो कंपैशनेट हार्ट था, वो कैसे ऐसे होने दे सकता था कि जिसकी लाइफ उन्होंने बचाई उसको वो मार देते या देखते कि कोई उसे मार रहा है. कंपैशनेट हार्ट फॉरवर्ड, जो उनका कंपैशनेट हार्ट था उसने मना कर दिया कि नहीं मारना है, जिस आदमी को आपने बचाया उसे नहीं मारना है. तो ओवरऑल डॉक्टर साडो जो थे वो ड्यूटी बॉन्ड भी थे, और उनमें जो ह्यूमैनिज्म उनमें और उनकी वाइफ में, जो कंपैशनेट हार्ट काइंड हार्टेड पर्सन, तो ये क्वालिटी. तो इस तरह डॉक्टर साडो और उनकी वाइफ जो क्वांड्री डायलेमा में थे कि बचाया नहीं बचाया, अल्टीमेटली ह्यूमैनिज्म और जो ड्यूटी थी वो राइज अबव द सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन से ऊपर उभर के आई, और जो हेट्रेड उन सबसे उभर कर उन्होंने लाइफ बचाई. फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. नॉट टू फॉरगेट शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. और जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस, आई एम श्योर दैट यू कैन राइट एनी आंसर फ्रॉम दिस चैप्टर. जय हो.